दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक बार फिर से बिहार में उथल पुथल की खबरें जो है वो निकल कर सामने आ गई है। नीतीश बाबू एक बार फिर से पलटी मारने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कानों को यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन कीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर आप तक लेकर आ रही हूँ कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है या कुछ ही देर में आ सकता है। इसका अनुमान, इसकी जानकारी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है वो बेहद चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार का पलटी मारने का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। नीतीश कुमार बार बार कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं, उनका दिया गया वक्तव्य कुछ और होता है और वो कर कुछ और जाते हैं। ये तो बिहार का बच्चा बच्चा भी बता देगा और देश की जनता भी जानती है कि नीतीश कुमार किस तरीके से पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ तक कि बिहार में उनको पलटू राम चाचा का नाम तक दे दिया गया है। विपक्षी दल के नेता उन्हें पलटू राम चाचा कहते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव खासकर। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद ही इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर हो सकती है और भाजपाइयों के लिए बुरी खबर। अभी आपने परसों आपने देखा था कि कैसे मोदी जी और नीतीश कुमार एक रोड शो कर रहे थे, साझा रोड शो, जिसमें नीतीश कुमार के हाथ में झुंझुना, कमल वाला झुंझुना उनके हाथ में पकड़ा दिया गया था और उनके शक्ल पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कितने वो मायूस हैं। अपने चुनाव चिन्ह को वो मोदी जी के सामने लेकर नहीं खड़े हो सकते हैं, उनकी ये एनडीए में इज्जत है। एनडीए यानी कि जो गठबंधन दल होते हैं उनमें सबका जो साथ होता है, जो साझेदारी होता है, वो बराबर का होता है। ये नहीं कि बीजेपी यहाँ पर है तो बाकी जो गठबंधन के दल है वो यहाँ पर है, लेकिन ऐसा उस रोड शो में, पटना वाले रोड शो में देखने सुनने सबको मिला। आप सभी को मैंने वो खबर भी दिखाई है कि कैसे नीतीश कुमार का मुँह लटका हुआ है और तमाम लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया कि कहाँ तो इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट के रूप में आपको देखा जा रहा था और एनडीए गठबंधन में जाकर आपकी दुर्दशा क्या हो गई। अब खबर ये आ रहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और उस रैली में नीतीश कुमार ने जाने से मना कर दिया है, और मना करने का कारण क्या दिया है चलिए आपको बता दूँ। मना करने का कारण उन्होंने दिया है अपनी तबीयत खराब होने की बातें। उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, एकाएक नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हो गई है और वो मोदी जी के रैली में नहीं जा रहे हैं। ठीक ऐसा ही उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, जब उनको दूरी और किनारा करना होता है तो वो इसी तरीके का तर्क देते हैं, बहाना बनाते हैं और फिर खुद को साइड कर लेते हैं। शायद नीतीश कुमार को भी ये एहसास होने लगा है कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, गठजोड़ किया है, वो पार्टी उनको मान सम्मान, वो इज्जत नहीं दे पा रही है। उनकी पार्टी भी पूरी तरीके से हिलती भी नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा के आगे कोई पार्टी फल फूल सकती है, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी आप लोगों ने देखा है, जाना है, देखा जाना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी दल है भाजपा के आगे वो सब छोटे नज़र आते हैं, ऐसा भाजपा की तरफ से ही प्रटेंड किया जाता है। लेकिन अब चलिए जो खबर सामने आ रही है वो खबर आप तक रख दूँ। नेटवर्क 18 के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है। इस जानकारी को देखकर सुनकर आप खुद बोलिएगा कि देखिए बिहार में काया पलटने वाली है। नीतीश कुमार को लेकर खबर आ रही है कि वो अस्वस्थ हो गए हैं अचानक से। सीएम नीतीश के आज सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, प्रधानमंत्री के नामांकन में भी शामिल वो नहीं होंगे। आज वो प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने जा रहे थे, रैली करने वाले थे, लेकिन वो अब नहीं करेंगे। आगे इसी खबर को कई यूज़र्स के ज़रिए शेयर करते हुए लिखा गया है कि खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री के नामांकन वाले प्रोग्राम में नीतीश जी शामिल नहीं होंगे। क्या लगता है, नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे? अब इस तरीके से जो है लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इज्जत उनको मिली है वो इज्जत के जितने हकदार हैं वो उनको नहीं मिली है। बिहार में 15 साल से दोस्तों मुख्यमंत्री के पद पर हैं और एक मुख्यमंत्री के हाथ में अपने नाम का, अपने पार्टी का झंडा, अपने पार्टी का कमान ना हो करके किसी और के पार्टी का झुंझुना थमा दिया जाए तो आप समझिए कि उनकी क्या इज्जत है, किस तरीके का इनको सम्मान मिल रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अब तक
नीतीश कुमार को लेकर कोई भी अमर्यादित बातें नहीं की गई है। उन्होंने हमेशा कहा है कि आपका पार्टी में स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं, आपके लिए द्वार खाली है, आपको जब मन हो तब आप जो है आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, उनका साथ उनका हाथ थाम सकते हैं। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या आज का जो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है कोई गहरी चिंतन मंथन के लिए तो नहीं किया गया है? क्योंकि जो पटना की रैली में उनके साथ हुआ है शायद उनसे वो आहत हो गए हों और चिंतन मंथन करने के लिए फिर से उन्होंने जो है किनारा कस लिया है, वो भी प्रधानमंत्री के इतने अच्छे दिन में। आज उनका नामांकन है, मीडिया का सारा कैमरा प्रधानमंत्री के ऊपर खच 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 करके दिखाई दे रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का ना जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।